हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक विश्नोई में। मैं आज आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए वन प्लस जो नया आने वाला है फ़ोन वन प्लस एट प्रो एंड वन प्लस एट लाइट। इनके बारे में मैं आपको रिव्यू बताऊंगा, इनके स्पेसिफिकेशंस और इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। वैसे ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है 14 अप्रैल को वन प्लस के इवेंट में, तो हम इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन पर आप फ़ोटोज़ है वन प्लस की, कुछ ये लीक फ़ोटोज़ है, कुछ सोर्सेज से मिली थी जो वन प्लस की 8 प्लस 8 प्रो और 8 लाइट की है। ये फ़ोटोज़ सारी आप देख सकते हैं। अभी जो है वन प्लस 8 प्लस प्रो की फ़ोटोज़ है, आपको अभी वीडियो में दिखा देंगे हम और भी वीडियोज़ के बारे में, इसके फ़ोटोज़ के बारे में। अगर इसकी हम नेटवर्क या टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इसके अंदर GSM, CDMA और HSPA और LTE दोनों की दोनों सपोर्ट करती है ये। इसका अनाउंसमेंट आपको पता है ऑफिशियली कब होने वाला है, वो है हमारा 14 अप्रैल को। एंड इसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, इसकी हमारी जो गोरिल्ला ग्लास जो 6 होता है उससे इसकी पूरी जो ग्लास है वो इसका गोरिल्ला ग्लास है। एंड एल्यूमिनियम से बनी है, डुअल सिम है एंड IP68 डस्ट वाटर रेजिस्टेंट है एंड 1.5 मीटर तक इसकी वाटर की डेप्थ है जो कि 30 मिनट्स तक रहेगी। डिस्प्ले की बात करें तो फुल एमोलेड डिस्प्ले है इसका और 6.78 इंचज़ होने वाला है वन प्लस 8 प्रो, लेकिन वन प्लस 8 जो होगा वो थोड़ा इससे कम होगा, अप्रॉक्सीमेटली 5.6 और 5.7 तक होगा। एंड रेजोल्यूशन की बात करें तो बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है, फुल एमोलेड डिस्प्ले होगा और वन प्लस 8 प्रो में भी ज़्यादा ही अच्छा होगा डिस्प्ले। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 है इसके प्रोटेक्शन के लिए। और फिर इसकी OS की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड 10.0 ऑक्सीजन OS है जो कि लेटेस्ट एग्जाम। और चिपसेट की बात करें तो इसके अंदर SM8250 स्नैपड्रैगन 865 जो कि बहुत ही लेटेस्ट और कॉस्टली प्रोसेसर है। इसके अंदर ऑक्टाकोर 1x2.84 GHz जो प्रोसेसर भी है इसके अंदर, और GPU जो है इसका एडिनो 650 है, बहुत ही अच्छा है। और कार्ड स्लॉट इसके अंदर नहीं है, इसके इंटरनल मेमोरी ही है जो है 128 GB और रैम जो आ रही है वो आ रही है 8 GB जो होगी, और एक है 256 GB जिसमें रैम होगी 12 GB, यानी ये जो वेरिएंट है लेस सबसे लीस्ट भी लोगे तो इसके अंदर 8 GB की रैम है। ठीक है, फिर हम इसके आगे बात करते हैं इसकी मेन कैमरा। कैमरा बहुत ही अच्छा है इसका, कैमरा की बात करो तो आप इसके अंदर 4 कैमरा है, क्वाड कैमरा है ये, ठीक है वन प्लस 8 प्रो, लेकिन शायद वन प्लस 8 जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कैमरा में मिलेगा, लेकिन वन प्लस 8 प्रो आपको 4 कैमरा में मिल रहा है। इसके अंदर लेज़र AF है और 48 MP है एक कैमरा, एक है 8 MP, दूसरा 48 MP और 5 MP, एक डेप्थ के लिए, एक वाइड के लिए, एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो, 3x ऑप्टिकल जूम है इसके अंदर, बहुत ही अच्छी है। और डुअल LED पैनोरामा और HDR ये जो होते हैं ये सब में ही है। और वीडियो के जो है वो 2160p और 720p 1080p, लेकिन अभी तक इसमें ये नहीं बताया गया है कंपनी ने कि इसके अंदर 4K भी होगा या नहीं होगा, वो सब ज़्यादातर बातें हमें 14 अप्रैल को ही पता चल जाएगी। सेल्फी कैमरा की बात करें इसका, एक जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में इसका जो नॉच दिख रहा है आपको, ये बहुत ही अच्छा रखा है वन प्लस ने, लेकिन इसका जो सेल्फी कैमरा है वो 16 MP है और शायद वन प्लस 8 प्रो में वो 32 MP होगा। और साउंड जो है वो स्टीरियो स्पीकर्स है और वाईफाई और एंड ऑल द कॉमन थिंग्स आर देयर। एंड जो फिंगरप्रिंट है वो इसका डिस्प्ले पर है, और कंपास, प्रॉक्सिमिटी, गायरो, एक्सेलेरोमीटर सब चीज़ें इसके अंदर। बैटरी की बात करो तो 4510 AMAH बैटरी है, ठीक है ना। और फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी है इसमें, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलेगा आपको, फास्ट चार्जिंग भी है। और इसके जो कलर्स की बात करें हम तो इसके अंदर ग्लेशियल ग्रीन भी है और अल्ट्रामरीन ब्लू और ऑनिक्स ब्लैक भी है। और वन प्लस 8 प्रो जो कि है 5G फ़ोन है, बहुत ही अच्छी बात है 5G फ़ोन है, और इसके अंदर वन प्लस 8 प्रो को 5G जो फ़ोन है इसको एक बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड का अवार्ड भी मिला है इसको। और आप देख सकते हैं कुछ मैं फ़ोटोज़ आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो आप देख सकते हैं 3 कलर है, एक तो है ऑनिक्स ब्लैक जो कि बीच वाला है, एक है ग्लेशियल ग्रीन और एक होगा हमारा अल्ट्रामरीन ब्लू।
ये कुछ फ़ोटोज़ है मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और ये कुछ स्पेसिफिकेशंस थे। वन प्लस एट की जो प्राइस होगी अंदाजन 40 to 45 thousand के बीच होगी, और वन प्लस एट प्रो की प्राइस जो होगी वो 50 से 57 thousand होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।